गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम SST का लेसन 4 पढ़ रहे थे, अ ग्लिम्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। इसका हमने हाफ चैप्टर पढ़ लिया था, अब इसके आगे पढ़ेंगे। हम DRC के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें DRC का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है। क्लाइमेट और वेजिटेशन हमने पढ़ लिया था, इसका आगे पढ़ेंगे हम। वाइल्ड लाइफ, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, जंगली जानवर वहाँ पर कैसे रहते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ पे DRC में क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स के जो जंगली जानवर वो बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के पाए जाते हैं। एंटेलोप्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोज, लियोपार्ड्स, गोरिल्लाज, हिपोपोटामस एंड बेबून्स आर फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में ये सारे जानवर जो है वो पाए जाते हैं। लॉयन, जिराफ, जेब्रा, डियर, वोल्व्स, वाइल्ड डॉग्स, रोम द सावनास जो वहाँ का जंगल है, ग्रासलैंड है वहाँ पे, वहाँ ग्रासलैंड में ये सारे जानवर पाए जाते हैं। लॉयन, जैबरा, डियर, वोल्प्स, फिर क्रोकोडाइल एंड स्नैक्स आर फाउंड इन द प्लेंटी इन द रिवर्स। और वहाँ के जो रिवर्स है, जो नदियाँ हैं वहाँ पे, उनमें क्रोकोडाइल्स और स्नैक्स पाए जाते हैं। ओकापी अ रेयर काइंड ऑफ जिराफ एंड द कॉन्गो पिकोक आर फाउंड ओनली इन द फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओकापी जो कि एक तरीके का जिराफ, एक तरीके का जिराफ है, अलग तरीके का जिराफ है, उसका नाम है, ये यहाँ पे दिखा भी रखा है इस पिक्चर में। एंड द कॉन्गो पीकॉक, और वहाँ के पीकॉक जो है, कॉन्गो के पीकॉक हैं जो, वो सिर्फ उसी जंगल में पाए जाते हैं, ओकापी और कॉन्गो पीकॉक। द फॉरेस्ट आर होम टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाइज, बीज, बेटल्स एंड टीसी फ्लाइज। जो वहाँ का जंगल है, फॉरेस्ट है, वो बहुत सारे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का भी घर है, जैसे बटरफ्लाई, बीज, बीटल्स एंड TCTC। द TCTC फ्लाई कॉजेज अ डेडली डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग। TCTC फ्लाई जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि TCTC जो एक इंसेक्ट है, ये एक कीड़ा है, इसकी वजह से एक ऐसी बीमारी होती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है, और इससे लोगों की मौत भी हो जाती है। एक इस तरीके की बीमारी है ये। एक मैनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑल्सो लिव इन दिस फॉरेस्ट। और अलग बहुत सारे तरीके के यहाँ पे ब्यूटीफुल बर्ड्स भी रहते हैं, सुंदर पक्षी भी रहते हैं जंगल में। ओविंग टू इट्स वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज समटाइम रेफर टू एज अ गिगेंटिक जू। इसीलिए यहाँ की जो वाइल्ड वेराइटी के, मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर पाए जाते हैं, इसी के कारण DRC को कभी कभी गिगेंटिक जू भी कहा जाता है, गिगेंटिक जू भी कहा जाता है, यहाँ की वाइल्ड वेराइटी पाई जाने के कारण। आगे पढ़ते हैं इसके नेचुरल रिसोर्सेज। कॉन्गो इज़ वेरी रिच इन मैनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत तरीके के यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड एंड कोबाल्ट। पूरे संसार का, पूरी दुनिया का यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे, जहाँ पे डायमंड और कोबाल्ट पाया जाता है। इट ऑल्सो हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड भी बहुत पाया जाता है, कॉपर एंड मैगनीज, ये सारी जो धातुएं हैं, गोल्ड, तांबा, मैग्नीज, ये भी यहाँ पे पाई जाती हैं। द कटांगा प्रोविंस इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स कॉपर फील्ड। कटांगा जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ उसके साउथ पार्ट में, दक्षिणी भाग में कॉपर के फील्ड पाए जाते हैं। वहाँ पे कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में भी यहाँ पे पानी के भी सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हैं। मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर्स ऑफ टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी नदियों पे, यहाँ की जो नदियाँ हैं उन पर डैम बनाए गए हैं, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट लग्न ऑन द रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो पे एक ऐसा डैम बनाया गया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसका नाम है लग्न, उस डैम का नाम है। इन फैक्ट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और DRC फर्स्ट, पूरे दुनिया के फर्स्ट रैंक में आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं है DRC में। द मेन इंडस्ट्रियल इन
इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल्स, सिगरेट्स, बीवरेजेस, केमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। यहाँ के जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल, सिगरेट ये सब बनाई जाती हैं, बीवरेजेस पेय पदार्थ जो होते हैं, केमिकल और फूड प्रोसेस के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सारे यहाँ पे मेन, यहाँ के मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ के पीपल, यहाँ के लोग, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो आर फार्मिंग एंड माइनिंग। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का जो है वो फार्मिंग और माइनिंग है। कसावा इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। कसावा यहाँ के लोगों का एक स्टेपल फूड है, मेन फूड है, मतलब कि कसावा इज़ अ प्लांट दैट हैज़ लॉन्ग फ्लैसी रूट्स। एक तरीके का प्लांट है जिसकी कि जिसकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं बहुत ही थोड़ी लंबी लंबी होती हैं। दीज रूट्स आर ड्राइड एंड पाउंडेड टू मेक फ्लावर। और इन्हीं रूट्स को, इन्हीं जड़ों को सुखाया जाता है और उनसे फ्लावर बनाया जाता है, मतलब कि आटा बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ से बनाया जाता है आटा, वहाँ पे इनके कसावा की जो जड़ होती है उससे बनाया जाता है। द फ्लोर इज़ यूज टू मेक ब्रेड। और इसी फ्लोर का, इसी आटे का यूज़ ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। राइस, मेज़ एंड मिलेट्स आर द मेन फूड क्रॉप्स। और यहाँ के मेन फूड क्रॉप्स जो हैं वो राइस, मिलेट्स और मेज़ हैं, मक्का। फ्रूट सच एज बनानाज एंड कोकोनट आर ऑल्सो ग्रोन हेयर इन प्लेंटी। और बनाना और कोकोनट्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। यैम, अ काइंड ऑफ स्वीट पोटैटो, इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस। यैम जो कि एक स्वीट पोटैटो का ही एक प्रकार है, जैसे कि शकरकंदी होती है हमारे यहाँ, वो भी वहाँ पे उगाया जाता है। ड्यू टू द हॉट क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, पीपल डू नॉट वियर मैनी क्लोथ्स। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट रहता है, गर्म रहता है और नमी वाला रहता है, इसीलिए पीपल जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं। पीपल आर टॉल एंड हेफ्टी, लोग यहाँ के लंबे होते हैं। दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड शॉर्ट एंड कर्ली हेयर। इनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो डार्क होता है, और रंग में ये जो होते हैं वो डार्क होते हैं, और इनके बाल जो होते हैं वो कर्ली होते हैं। इन सिटीज़ एंड टाउन्स पीपल वियर मॉडर्न ड्रेसेस। दे लिव इन सिटीज़, में यहाँ के सिटीज़, यहाँ की सिटी और टाउन है जो वहाँ पे वो मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं। दे लिव इन बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स, वो बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स में रहते हैं। इन विलेजेस पीपल लिव इन टैच्ड हट्स, और विलेजेस में गांव में जो लोग होते हैं वो हट बना के रहते हैं, झोपड़ी वगैरह बनाकर उनमें रहते हैं। दे आर मोस्टली ट्रिबल्स, दे आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे 200 तरह की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, 200 तरह के लोगों की जातियाँ यहाँ पे रहती हैं। द मोस्ट नोटेड ट्राइब्स आर पिगमीज, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा नोट की गई है जो जाति वो है पिगमीज। लॉन्ग एगो पिगमीज लिव्ड डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, और बहुत समय पहले ये पिगमीज जो है वो बहुत ही घने जंगल में रहते थे, बट नाउ दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड लिव ओनली इन सर्टेन एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। और अब के समय में ऐसा हो गया कि ये बहुत ही कम जनसंख्या में ही रह गए हैं। द पिगमीज आर शॉर्ट, हैविंग अ हाइट ऑफ ओनली 1.5 मीटर, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी हाइट जो होती है कम से कम 1.5 मीटर होती है सिर्फ। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स, ये बहुत ही शिकार करने में बहुत अच्छे होते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, एक जगह से दूसरे जगह पे खाने की तलाश में ये घूमते रहते हैं। दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स, ये खेती नहीं करते हैं, फसलें नहीं उगाते हैं। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ मीट, रूट, फ्रूट एंड बेरीज, इनके फूड में जो होता है वो मीट खाते हैं, जड़े खाते हैं पौधों की, और फ्रूट एंड बेरीज, यही सारी चीज़ों से ये खा पी कर अपना गुजारा चलाते हैं। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ये डांस और म्यूजिक में भी अच्छे होते हैं। दे डांस इन ग्रुप्स इन ट्रेडिशनल वे, वियरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनकर ये बहुत ग्रुप में डांस, जो डांस होते हैं वो ग्रुप में करते हैं ट्रेडिशनल वे में, संस्कारी तरीके से इनका कल्चर होता है एक तरीके का। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज फ्रेंच, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। हाउएवर इंग्लिश, बंटू एंड स्वाहिली आर ऑल्सो स्पोकन इन वाइडली, और जबकि वहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, बंटू और स्वाहिली ये भी वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, ये भी वहाँ पे बोली जाती हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट, कॉन्गो डज नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट। यहाँ का जंगल इतना ज़्यादा है कि इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। द रिवर कॉन्गो इज नेविगेबल पार्टली बिकॉज इट हैज़ मैनी वाटरफॉल्स। यहाँ के रिवर जो है
कॉन्गो रिवर जो है वो बहुत ही बड़ी है, इसलिए इसके वाटरफॉल्स जो है वो हर जगह पे बहुत फैले हुए हैं। सम ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स आर लिविंग स्टोन फॉल्स, स्टेनली फॉल्स, इग्ना फॉल्स। कुछ वाटरफॉल्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे इसमें शो भी कर रखा है, दिखा रखा है यहाँ पे लिविंग स्टोन वाटरफॉल। द मेजर सिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर कनेक्टेड विद अफ्रीकन एंड यूरोपियन सिटीज थ्रू एयरवेज। और यहाँ की मेजर सिटीज जो हैं वो अफ्रीका और यूरोप की सिटी से एयरवेज के रास्ते से वहाँ से जुड़ी हुई हैं। मेन सिटीज जो हैं यहाँ की, फर्स्ट है किन्शासा। किन्शासा इज द कैपिटल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इट इज़ ऑल्सो द मेन सी पोर्ट ऑफ द कंट्री। किन्शासा जो है वहाँ की मेन, ये तीन मेन सिटी हैं वहाँ की, उसमें किन्शासा जो है वो यहाँ DRC का कैपिटल सिटी है, और इसका सी पोर्ट मतलब यहाँ से समुद्री तरीके से यहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया जाता है। मतादी, मतादी इज़ ए बिग सी पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और DRC का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है जहाँ से व्यापार किया जाता है, समुद्री व्यापार किया जाता है जहाँ से, वो है मतादी, और ये सबसे बड़ा सी पोर्ट है यहाँ का, इंडस्ट्रियल सेंटर है इसका। बकावू, बकावू इज़ फेमस टूरिस्ट सेंटर, फेमस टूरिस्ट सेंटर है ये। इट इज़ देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक इन द सेंटर ऑफ द सिटी, और इस सिटी के सेंटर में मतलब बीच में एक बहुत ही सुंदर सा लेक है। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर।